अब्दुल गफार खान, जिन्हें दुनिया बादशाह खान के नाम से जानती है और अदम तशद्दुद के हवाले से पहचानती है। उन्होंने बड़े सगीर में मजहबी मुनाफरत के खात्मे, अमन के क्याम और तालीम के लिए ग्रा कदर खिदमात अंजाम दी। इलाके में पहला मदरसा भी बादशाह खान ने ही कायम किया। बादशाह खान सारी दुनिया में इस एतबार से यूनिक है कि उसने शुरू से लेकर आखिर तक यही पैगाम घर घर तक पहुँचाया, अदम तशद्दुद, प्यार और मोहब्बत और इलम हासिल करना। बादशाह खान खवातीन को बाख्तियार और तालीम याफ्ता बनाने के बहुत बड़े दाई थे। उन्होंने अमली सियासत में भी खवातीन के किरदार को सराहा। अदम तशद्दुद का फलसफा उनकी पहचान बनी। बादशाह खान एक फलसफे और एक नजरिए का नाम है और पुख्तून इसी फलसफे और इसी नजरिए के ऊपर चल रहा है। और आप देखें कि जिस दुश्मन ने इस नजरिए या फलसफे को खत्म करने की कोशिश की है, ये मैं आपको कहूँ कि इस कौम को जितना दीवार से लगाया जाएगा ये वापस आएगा। पाकिस्तान के क्याम के बाद बादशाह खान ने छोटी कौमों और अकलियतों के हकूक के लिए आवाज उठाई। वो पख्तून मेहमान नवाजी और मोहब्बत की रिवायात के अमीन थे। उनकी बड़ी कुर्बानी है, खिदमत है, उन्होंने कौम के लिए बहुत कुछ किया और जंग आजादी की जंग के हीरो हैं। तो एक दो तो तीन जो हीरो उनमें से एक हीरो बादशाह खान है। अफगान जंग में उन्होंने दीनी जमातों पर कड़ी नुक्ताचीनी की। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में फैलने वाली आग एक दिन फैलकर खुद पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लेगी और फिर ऐसा ही हुआ।